खरगोन जिले के आदिवासी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील करने को लेकर क्षेत्र में लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। इसी को लेकर शनिवार शाम सिरवेल आए सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का सभी समाजजनों ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सांसद पटेल ने सबसे पहले राम मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, पश्चात इसके सभा को संबोधित किया। सांसद पटेल ने उपस्थित लोगों से कहा कि अब विकास की इबारत लिखने का समय आ गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर भगवान पूरा के सिरवेल में सब चीज़ें पूरे करने के लिए हम सब लोग लगे। और मेरा विशेष तौर पर आप सबसे आग्रह है, आप लोग व्यापार करते हैं, यहाँ पे लोग आदिवासी भाई मेरे भोले भाले हैं, सीधे सरल है, मूंग है, चना है, मक्का है, तुअर है, बहुत सस्ते दामों पे आप लोगों को देते हैं, तो इनको भी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। क्योंकि अगर इनको लाभ नहीं दिया हमारे भोले भाले आदिवासियों को, तो व्यापारिक काम चलेगा क्या बताइए? इनके चेहरे पर खुशी रहेगी तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी रहेगी, इसलिए इनको भी अच्छा वाजिब दाम दें, खुद भी मुनाफा कमाए पर इनके चेहरे पर खुशी बनी रहे, ये मेरी इच्छा है। और मेरी भगवानपुरा का अच्छा गांव है, ये व्यापारिक दृष्टि से भी अच्छा गांव है, महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, यहाँ व्यापार करने के लिए यहाँ पर हमारे कलार समाज के लोग भी हैं, जैन समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, व्यापार से लाभ मिलता ही नहीं मिलता है। और ये कनेक्टिविटी इस सिरवेल में है तो मुझे लगता है कि ये वन ग्राम से राजस्व ग्राम होने से आपको लाभ मिलेगा, बहुत सारे प्रतिबंध हटेंगे। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी को मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और विकास कैसे होगा उसके लिए मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हो गई, ग्राम की श्रेणी में बजट ईयर में आई है, और ये गजेटियर में आने के बाद में विकास की इबादत लिखने का क्रम शुरू होने वाला है। और इसलिए मैं आप पूरे हमारे वन ग्राम में रहने वाले आदिवासी भाइयों को, समाज के अन्य लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि विकास शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े समय से टावर की मांग है। अब टावर वालों से बात हो गई, जियो वालों से भी बात हो गई कि जियो वाला हम लगाने के तैयार है, बोले फारिश जमीन नहीं देता, वो उनको जो 10x10 की जमीन चाहिए तो बोले वो NOC नहीं देता, उसकी NOC चाहिए तो टावर लगाए कहाँ से? अब BSO के टावर तो बहुत समय से लगा है, परंतु इक्विपमेंट खराब होने से चल नहीं पा रहा। तो जीए वालों से बात करी, आइडिया वालों से बात करी, परंतु अब ये सब मापदंड खत्म होने लग गया। और इसलिए मुझे लगता है कि जो लंबे समय से आपकी मांग है, वो मांग वन ग्राम से राजस्व ग्राम होने से आपकी कई विकास की काम जो रुके हुए थे वो काम होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।